जब कोई दुखी होता है तो आंख से आंसू आते हैं और आंसू में पानी ही निकलता है। ये चीज तो सबने देखा ही होगा, बट क्या आपने कभी सुना और देखा है क्या कि किसी के रोने पर उसके आंख से डायमंड निकलता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट फॉर ऑल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत से रोचक और मजेदार फैक्ट्स लाई हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे कि आप एक भी फैक्ट को मिस ना कर पाएं। फैक्ट नंबर 22। सन 1932 में रिलीज हुई भारतीय फिल्म इंद्रसभा में टोटल 72 गाने थे और सभी गानों का समय जोड़ा जाए तो 211 मिनट बैठता है और ये अब तक की सबसे लंबी गानों वाली फिल्म है। फैक्ट नंबर 21। जब इंसान ज्यादा टेंशन लेता है तो खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे इंसान के बॉडी के अंदर खून के थक्के बनने के चांस रहते हैं। यही कारण है ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक आता है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि पैराशूट ऑयल को खाना बनाने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि पैराशूट ऑयल की बोतल पर कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बल्कि इसे FSSAI द्वारा मंजूरी दी गई है कि ये ऑयल को खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 19। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक मिनट में 1000 से भी ज्यादा शब्द पढ़ सकता है? इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि गूगल पर ये नंबर 2415439 सर्च करने पर आपको कुछ इस तरह की पिक्स दिखाई देंगी जिसमें फ्रिज के अंदर इंसानों का सर डला हुआ है। इट्स डेंजरस बट ये सच है, और आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है तो आप खुद ही सर्च करके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 17। गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि सफर के दौरान हमारे मोबाइल की बैटरी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि जब हम लोग लंबा सफर तय कर रहे होते हैं तो उस वक्त नेटवर्क और डाटा प्रोवाइडर की वजह से हमारा मोबाइल नेटवर्क बदलता रहता है और पास के किसी भी नेटवर्क को सर्च कर लेता है, लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं तो फिर से हम दूसरे नेटवर्क में आ जाते हैं। बार बार नेटवर्क बदलने की वजह से हमारी मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। फैक्ट नंबर 16। दुनिया में सबसे ज्यादा पुशअप्स मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जापान के मिनोरो योशिदा नाम के व्यक्ति ने बनाया है। इन्होंने साल 1980 में लगातार 10,507 पुशअप्स किए थे। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं इंडिया के अंदर एक ऐसा गांव है जहां पर बेटियों के पैदा होने पर पेड़ लगाए जाते हैं? जी हां, राजस्थान के पिपलांत्री गांव में लड़की के पैदा होने पर 111 पेड़ लगाते हैं। वैसे ये मुहिम भारत के हर एक गांव में और शहर में चलाना चाहिए। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में बहुत कम मात्रा में रोज जहर दिया करते थे ताकि वो शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले किसी भी जहरीले आघात का सामना कर सके। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको मालूम है कि ऑरेंज खाने से हमारी सारी चिंताएं कम होने लगती हैं? इसलिए तो डॉक्टर्स भी हमें ऑरेंज खाने की सलाह देते हैं। तो आज से सब ऑरेंज खाना स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपकी सारी टेंशन धीरे धीरे कम हो जाए। फैक्ट नंबर 12। ईरान के किताबों के दुकानदार रात के समय अपनी दुकान को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि ईरान के लोगों का मानना है कि किताब पढ़ने वाले कभी भी किताब चोरी नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि गंगा हिमालय पर्वत से होकर गुजरती है और हिमालय पर्वत पर बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और उनमें कुछ जड़ी बूटी ऐसी होती है जो पानी को शुद्ध रखती है और पानी को सड़ने से बचाती है, इसलिए गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। फैक्ट नंबर 10। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसे अगर दूध पीने को दिया जाए तो वो केवल दूध ही पिएगा और पानी को छोड़ देगा, क्योंकि हंस दूध को पानी से अलग करके पीता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि चीन के स्कूलों में टीचर्स अपने स्टूडेंट को 20 मिनट सोने को देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चों को पढ़ाया हुआ जल्दी याद होता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है शैम्पू का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने ही किया था, की जड़ी बूटियों से बनाया गया था, और शैम्पू शब्द भी संस्कृत के चंपू शब्द से लिया गया था। चंपू शब्द का मतलब हिंदी में मसाज करना होता है। फैक्ट नंबर 7।
क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस एक बार में 56,000 अंडे देते हैं और उन अंडों में से जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो चावल के दाने के आकार के होते हैं। फैक्ट नंबर 6, टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए उस समय 35,70,00,000 लगे थे जबकि टाइटैनिक मूवी बनाने में 100 करोड़ की लगभग लागत आई थी। फैक्ट नंबर 5, शेषनाग नाम की ट्रेन भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी टोटल लंबाई 2.8 किलोमीटर है और इसमें टोटल 251 डब्बे हैं। फैक्ट नंबर 4, 10 से 15 मिनट के लिए गले के इस स्थान पर बर्फ रखने से हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह सिरदर्द और माइग्रेन को दूर करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को विनियमित करता है और आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको ये बात पता है कि सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही नहीं बनाती है बल्कि ऊंची ऊंची इमारतें भी बनाती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्टर सैमसंग ही है। वैसे इस बारे में किस किस को पहले से ही पता था, कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, रोज एक ऐसा फ्लावर है जो प्यार का प्रतीक है और हर एक खास मौके पर कपल्स एक दूसरे को रोज देते भी हैं। बट क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा फूल एक गुलाब ही है? जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा फूल जिसका नाम जूलियट रोज है, इसकी कीमत 90 करोड़ है। आप सब सोच रहे होंगे कि एक मामूली से गुलाब की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि डेविड ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने कई गुलाबों से मिलाकर इस गुलाब की प्रजाति को उगाया था और इसे उगाने में उन्हें लगभग 15 साल लग गए थे। साल 2006 में उन्होंने इस गुलाब को पूरे 90 करोड़ में बेचा था। वैसे अब इस फूल की कीमत पहले से कम हो गई है। नंबर 1, लेबनान में रहने वाली हसना मोहम्मद मुसलमानी नाम की एक लड़की के साथ सन 1996 में बहुत अजीब सी एक घटना घटी थी। वो जब भी रोती थी उनके आंख से क्रिस्टल निकलते थे और उस समय वो मात्र 12 साल की ही थी। पहले तो उन्होंने ये बात नजरअंदाज कर दी थी लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी मम्मी को पता चला तो सब परेशान हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी इस चीज को देखकर हैरान हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने जब उस क्रिस्टल को लेबोरेटरी में भेजा जांच करने के लिए तो पता चला कि डायमंड्स जिस पदार्थ से बनता है उनके क्रिस्टल में भी वही पदार्थ पाया गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्रिस्टल इतने शार्प थे, कोई भी पेपर को आसानी से काट सकता था। लेकिन जब वो आंख से निकलता था तो आंखों में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। वैसे आपको बता दें कि 1996 में मार्च से लेकर नवंबर तक क्रिस्टल उनकी आंखों से निकलते थे जब वो रोती थी, लेकिन उसके बाद से आज तक वो नॉर्मली ही रोती हैं। बट ये बात आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे कि मेरी सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।